नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube के चैनल ए बी लाइव 7010 पर। और ये आप देख सकते हैं एस डी वेस्ट पब्लिक स्कूल, और इस तरफ ये कुराड इंडस्ट्रियल एरिया आ जाता है। और मेरी इन दो लोकेशन के बताने के बाद तो अब आप समझ ही गए होंगे कि हम पानीपत बाईपास के स्टार्टिंग पॉइंट से अब चलेंगे दिल्ली पानीपत एक्सप्रेस वे तक। और ये 19 किलोमीटर का बाईपास है पूरा, आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्टेंस लिख रखा है। और यहाँ से सनोली गांव, इस एक्चुअल लोकेशन से हमारी सनोली गांव पड़ जाता है 4 किलोमीटर। कई दिन हो गए थे इसके, 1 से 2 महीने, मेरे हिसाब से 1.5-2 महीने हो चुके हैं इसकी लास्ट अपडेट दी है, तो सोचा है अब एक दोबारा नई फ्रेश अपडेट दे दी जाए आप लोगों को, एक बेहतरीन अपडेट। अब ये देखिए कैमरा भी इंस्टॉल कर दिए गए हैं। जब मैंने लास्ट बार अपडेट दी थी तब हालांकि काम इसका पूरा निपट गया था, टोटल काम, पर कोई बात है 95% काम निपट गया था, 5-1% छोटा मोटे 35 का काम बचा हुआ था, लेन मार्किंग वगैरह, स्ट्रीट लाइट का काम, ये बीच में डिवाइडर का काम हो गया, इनको पेंट करने का काम हो गया, ग्रीन बेल्ट का काम हो गया, बट अब सारा का सारा काम डन कर दिया गया है। तो देखते हैं हम क्या अपडेट है। हालांकि अभी यहाँ पर कुछ खास कंस्ट्रक्शन का काम शुरू नहीं हुआ है, आगे इसके साइड में खेत अभी भी एग्रीकल्चर के उसमें हैं, पर अभी धीरे धीरे यहाँ पर गवर्नमेंट अलाउ करेगी एग्रीकल्चर से कि भाई इंडस्ट्रीज भी लगा सकते हो आप इस रोड पे। 18 किलोमीटर आप देखिए यहाँ से दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे, और सोनीपत यहाँ से 69 किलोमीटर दूर। हाँ, कुछ और खुला या नहीं खुला, पर आप देख सकते हैं ठेका जरूर खुल चुका है, यहाँ पर बढ़िया ठेका खोल रखा है, कुछ बिके ना बिके शराब जरूर बिकती मिल जाएगी आपको। ये देखिए यहाँ पर भी NHAI ने अपने पोल्स डाल दिए हैं, पहले ये पोल NHAI ने नहीं डाले थे कुछ टाइम पहले तक, बट अब इन्होंने सारा का सारा काम कर दिया है। ये देखिए इलेक्ट्रिसिटी का ये बड़ा सा खंभा है, तो साइड में इन्होंने थोड़ी सी मार्किंग भी कर रखी है ताकि आपस में लोगों को पता रहे कि भाई यहाँ पर एक बड़ा सा पोल है, वरना क्योंकि रात को अंधेरे के टाइम नहीं पता लगता, क्योंकि यहाँ पर आसपास कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं करी है। ये एक ग्राउंड पड़ता है इस ताजपुर गाँव का, यहाँ पे बच्चे सुबह सुबह मेहनत करते हैं। मैंने एक बार जब पुरानी सुबह सुबह की इस पूरे बाईपास की वीडियो बनाई थी तब मैंने आपको दिखाया भी था कि बच्चे यहाँ पर 6, 6:30 या 7 बजे लगे हुए थे सर्दियों में भी मेहनत करने पे। अभी शायद से स्ट्रीट लाइट्स के जलाने का टाइम हुआ नहीं है, वरना कभी किसी दिन रात को अगर यहाँ से सफर हुआ तो स्ट्रीट लाइट से जलती हुई जब होंगी तब आपको वो बेहद ही खूबसूरत नज़ारा भी दिखाऊंगा। हमारे लेफ्ट हैंड साइड में बाबोली और राइट हैंड साइड पे ये गांव चांदपुर खुर्द। देखिए आसपास बहुत सुंदर ग्रीन बेल्ट बना रखी है,
पर अभी कुछ टाइम सालों में यहाँ पर इंडस्ट्रीज आ जाएंगी खूब, क्योंकि ऐसा हाईवे और उसके आसपास इतनी सारी ओपन लैंड किस शहर में किन लोगों को नहीं चाहिए बताइए। और ऊपर से दिल्ली यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 1.5 घंटे के डिस्टेंस पे है, मतलब आप मान के चलिए अगर यहाँ से हमें दिल्ली एयरपोर्ट जाना है तो हमें सिर्फ और सिर्फ 2.5 घंटे लगेंगे, और दिल्ली और यहाँ के बीच का डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ 85 किलोमीटर है। देखिए गाड़ियाँ कैसे स्पीड पकड़ती जा रही है, इस गाड़ी की स्पीड कम से कम भी आप मान के चलिए 70+ होगी, पर हमें एहसास नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि ये हाईवे इतना चौड़ा है। यहाँ से दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे पड़ जाता है 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर ये एक्सप्रेसवे बचा है, मतलब ये बाईपास बचा है पानीपत खटीमा नेशनल हाईवे 709 AD का, और 16 किलोमीटर पेंडिंग है, ये 3 किलोमीटर हम चल चुके हैं, टोटल ये 19 किलोमीटर का है SD वेस्ट पब्लिक स्कूल के पास से। एक आगे ब्रिज ऐसा आएगा जहाँ पर सर्विस रोड अलग से बनाई गई है, मतलब जो फ्लाईओवर है उसके अंदर सर्विस रोड आपने देखा होगा साइड में से जाती है, बट वहाँ पर नाला है तो उसके लिए वहाँ पर सर्विस रोड अलग से बनाई गई है, वरना या तो सर्विस रोड बनाई नहीं जाती, वरना अगर बनाई जाती है तो वो नीचे बनाई जाती है साइड में से, मोस्टली केसेस में वहाँ पर छोड़ ही देते हैं, बट वहाँ पर सर्विस रोड बनाई गई है तो ये बहुत ही बेहतरीन काम। आप देख सकते हैं इस अपडेट को, ये है वो सर्विस रोड दोस्तों जो बनाई गई है, आप देख सकते हैं ये है वो सर्विस रोड जो बनाई गई है, बहुत बेहतरीन काम किया गया ये ग्रिल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड द्वारा। टोल मेरे हिसाब से 1-2 महीने में शुरू होगा, क्योंकि टोल तब ये लेना चालू करेंगे जब शामली का पूरा बाईपास कवर हो जाएगा 57 किलोमीटर दूर यहाँ से सोनीपत। ये देखिए इस तरीके का छोटा मोटा काम भी शुरू हो गया है यहाँ पे, पर अभी ऐसे कामों को बढ़ने में अभी टाइम लगेगा काफी, पर बात बन जाएगी 1-2 साल के अंदर अंदर, देखना आप। इस जगह की मैंने आपको बहुत बार वीडियोस दिखाई है, पानीपत यहाँ से 14 किलोमीटर दूर मैंने बहुत बार आप लोगों को इस जगह की वीडियो दिखाई है, मैं यहाँ पर आता था सुबह सुबह, इस फ्लाईओवर को बनाया जा रहा था। हमारे लेफ्ट हैंड साइड में गांव पड़ता है डाडोला, सीधे जाएंगे तो पानीपत, और राइट हैंड साइड में गांव आ जाता है रिसाड़ू, यही वो अंडर
यही वो फ्लाईओवर है जिसके नीचे से अंडर पास जाएगा, जो राइट हैंड साइड पर अगर आप उठते हैं तो आपको चौटाला रोड के ऊपर कनेक्ट कर देगा वो। ये फ्लाईओवर, इसके नीचे से ही अंडरपास और सर्विस रोड। तेरह किलोमीटर पानीपत यहाँ से और सोनीपत 53 किलोमीटर। उस टाइम बाद जब इस रोड के ऊपर ट्रैफिक ज़्यादा हो जाएगा और यहाँ पर जब आसपास इंडस्ट्रीज वगैरह लग जाएंगी तो एक शायद से उम्मीद है कि यहाँ पर भी एक मिनी टोल एस्टेब्लिश कर दिया जाए। छोटे मोटे ढाबे भी खुल चुके हैं यहाँ पे, या ट्रक वगैरह खड़े रहते हैं। यहाँ पर ट्रक्स के लिए जो स्पीड है वो है 80 और कार्स के लिए जो स्पीड है वो है 100। आप देख ही सकते हैं ये, देखिए इमरजेंसी फोन मिलाने के लिए जो सोलर प्लेट से चलते हैं। पहले जब ये चालू नहीं हुआ था तब सुबह सुबह यहाँ पर लोग ट्रैकिंग करने, घूमने फिरने और फोटोज खींचने आते थे, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए इस तरीके के हाईवे उन्होंने लाइफ में पहली बार देखे हैं। इससे पहले इस तरीके के गजब और सुंदर हाईवे इंडिया में लिटरली में एग्जिस्ट नहीं करते थे। बड़े बड़े आप रोड अगर शहरों को छोड़ दो तो छोटे शहरों के बीच में ऐसे हाईवे नहीं थे। यहाँ तक मानिए दिल्ली चंडीगढ़ के हाईवे का भी, मतलब एक टाइम ऐसा था कि दिल्ली चंडीगढ़ का हाईवे किसी टाइम के अंदर उस रोड के ऊपर डिवाइडर ही नहीं था, ऐसी रोड हुआ करती थी। और आज देखिए 12 लेन का एक्सप्रेसवे है। तो बहुत चीज़ें बदली है हिंदुस्तान में 2014 के बारे में।
हरियाणा को अगर आप देखेंगे, दिल्ली अपने नेशनल कैपिटल के पास का स्टेट है, जुड़ता हुआ स्टेट है, तो उस हिसाब से कुछ भी डेवलपमेंट नहीं थी यहाँ। 2013 या 14 से पहले सिर्फ दो ऐसी रोड थी झज्जर टू रोहतक एंड रोहतक टू पानीपत, जो 4 लेन हाईवे था, और पूरे हरियाणा में कोई रोड नहीं थी। एक इसको ले लो आप दिल्ली चंडीगढ़, ये तो पूरा फिर नेशनल हाईवे हो गया अलग ही। और अब देखिए, जिस शहर में से जाएंगे वहां पर आपको हाईवे ही हाईवे मिलेगा। हिसार में हाईवे, जींद में हाईवे, रोहतक में हाईवे, रिवाड़ी में हाईवे, पानीपत में हाईवे, सोनीपत में हाईवे, करनाल में हाईवे, कुरुक्षेत्र में हाईवे, फतेहाबाद में हाईवे, सिरसा में हाईवे, मंडी डपाली में हाईवे, नारनौल में हाईवे, महेंद्रगढ़ में हाईवे, पूरा हरियाणा हाईवे ही हाईवे से भर दिया गया है। ये देखिए, ज़रूरत के हिसाब से लोगों ने अपने आप ही एक सर्विस रोड का निर्माण कर दिया। जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर भारतीय पब्लिक अपने आप कुछ ना कुछ बना देती है। दिल्ली यहाँ से 84 किलोमीटर, रोहतक यहाँ से 77 किलोमीटर एंड पानीपत यहाँ से 4 किलोमीटर, सोनीपत 52। अब वो आपको नाले वाला दिखाता हूँ, जो ये पैच सबसे लास्ट में कंप्लीट हुआ। आपको याद होगा इस ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर मैंने उस साइड वाला हिस्सा दिखाया था, राइट हैंड साइड वाला, पर ये वाला पैच आपको मैंने भी दिखा दिया था, पर उसकी मैंने आपको बताया था उस रोड के ऊपर एक बारी कि ये ही बनना बाकी है। ये बन गया था, मैंने आपको तब भी एक वीडियो बना के दे दी थी, पर तब ये फिनिशिंग वर्क नहीं हुआ था। अब आप देख सकते हैं पूरी रोड को गजब स्ट्रक्चर बना रखा है। हालांकि अगर यहाँ पर सर्विस रोड बनाई जाती तो यहाँ पर जगह नहीं थी, क्योंकि साइड में खंबे वगैरह आ गए, इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स आ गए। इस फैक्ट्री के स्ट्रक्चर को तो बेशक तोड़ा जा सकता था, पर और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह को, इतने बड़े बड़े खंभों को हटाना एक जगह से दूसरी जगह, ये बहुत ही चैलेंजिंग काम रह जाता है। तो उसकी वजह से सर्विस रोड नहीं दी गई। अगर कल को आवश्यकता पड़ती है तो उस हिसाब से कंपनी फिर इसे बनाएगी। जब हमारी कंपनियों ने बड़े बड़े पहाड़ों के अंदर इतनी बड़ी बड़ी सुरंगें बना रखी हैं, तो यहाँ पर ये पोल्स को साइड में करके एक हाईवे बनाना क्या बड़ी बात है। अब जैसे ये रोड है, इसको कनेक्ट करने के लिए कोई सर्विस रोड नहीं दी गई है, क्योंकि यहाँ पे आसपास कल को फैक्ट्री आएगी तो सारा ट्रैफिक हाईवे पे आता, इसीलिए कोई सर्विस रोड दी ही नहीं गई। हालांकि इसके साइड में से लोगों ने अपनी जरूरत के हिसाब से रोड को काट काट के रोड बनाई ली होगी, क्योंकि इसके साइड की जो रोड है वो 10 फुट तक इसी हाईवे की है। तो वहां पर अगर कोई भी बाइक चलाता है कुछ वैसे तो वहां पर चलाया नहीं जा सकता, अगर कोई चला के रास्ता बना देता है वहां पे चलाने की कोशिश करता है तो उसे कोई रोकता भी नहीं है, क्योंकि हाईवे अथॉरिटीज इतनी दूर तक आ नहीं सकते, यहां पर पूरी जगह पर घूम नहीं सकते, और आसपास जिसके खेत हैं उसको क्या लेना देना, उसकी जमीन तो है नहीं, उसको पैसे गए मिल। वो चमक आपको दिख रही होगी सामने, वो है वो जो आपको लाल बोर्ड दिखाई दे रहा है, वो है IP मेडिकल हॉस्पिटल। और ये दिल्ली है इस तरफ, और ये आ गया हमारा पानीपत खटीमा नेशनल हाईवे 709 AD का, पानीपत का बाईपास, जो कि दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे के ऊपर बना हुआ है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर और मनमोहक नजारा दिख रहा है यहाँ से। ये आप देख सकते हैं साइड में फैक्ट्रियों को, यहाँ पर फैक्ट्रियों की भी अच्छी खासी तादाद है, फैक्ट्रियाँ होगी। आप इस तरफ भी देख सकते हैं फैक्ट्रियाँ ही फैक्ट्रियाँ हैं। वो पार्क हॉस्पिटल, वो जो बोर्ड चमक रहा है, काफ़ी इंडस्ट्रियल एरिया है ये। और अब इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर 4 चांद और लगेंगे, क्योंकि 4-5 साल में मेट्रो और हॉस्पिटल, हाईवे, एक्सप्रेसवे, बहुत गजब की जगह बनी। ये देखिए, लोग भी बैठ के यहाँ पर फोटो खींचते हैं। यहाँ पर स्पीड सारे व्हीकल्स की 40 की है।
देख सकते हैं कितना सुंदर नजारा आ रहा है। ये देखिए यहाँ से, ये मेरे हिसाब से 7 बजे के बाद चलेंगी सारी लाइटिंग्स। वो देखिए सामने से PCR आते हुए ग्रीन बेल्ट में से दिखाई देते हुए, वो सामने पानीपत रोहतक हाईवे, ये सबसे पुराना हाईवे है हरियाणा का जो डेवलप हुआ था। हालांकि इससे पहले दिल्ली चंडीगढ़ रोड भी हो गई थी, पर अगर हरियाणा के हाईवे के हिसाब से बात करें तो ये सबसे पहला था, या फिर नहीं यही हुआ था। और इसके साथ जो रोड बनी थी वो थी झज्जर रोहतक हाईवे। ये देख सकते हैं आप कितना सुंदर नजारा है यहाँ से, बहुत ही गजब और सुंदर नजारा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद।